झारखंड के चतरा जिले में बाईपास व बिनी बाईपास सड़क का निर्माण होने जा रहा है। दरअसल सूबे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण सह कौशल मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस महीने इसका शिलान्यास कर काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। बता दें कि सूबे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा समरणालय कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित एक जिला स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक में बतौर मुख्य अतिथि की जिले के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि अधूरी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और पूर्ण योजनाओं को अविलंब शुरू करें। अन्य जिलों की अपेक्षाकृत चतरा जिले में विकास योजनाओं का जाल बिछाते हुए इस पर काफी काम किए गए हैं। उन्होंने जिले में सड़क का जाल बिछाए जाने की बात बताते हुए कहा कि जल्द ही चतरा के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बाईपास रोड और मिनी बाईपास सड़क का शिलान्यास कर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार पूरी तरह कृत संकल्प है। सबसे पहले 2023 नया वर्ष के लोगों के अधिकारियों के साथ मिलना भी था और जिला में जो चल रहे योजनाओं को समीक्षा करनी थी। जिले में जितने विभागों में योजना चल रहा है कुछ अधूरा है, उसको पूरा करने का निर्देश जो निविदा प्रक्रिया में पूरा हो गया है उसको चालू करने का निर्देश दिया गया है और हम लोग तेजी गति से जो भी योजना है उसको पूर्ण करने के लिए आदेश दिया गया है। और चतरा जिला में हम कह सकते हैं कि 99% जो सरकार का मापदंड है उपलब्धि चतरा का है। ये बाईपास सड़क का निविदा हो चुके है, उसको जो कुछ टेक्निकल दिक्कत है उसको हम लोग बहुत जल्द शिलान्यास करेंगे और शुभारम्भ करेंगे। दूसरा मिनी बाईपास धमनिया टू पारी सेल तरोडाढ़ा होते हुए NH-99 में मिलाएंगे। ये दो सड़क बहुत महत्वपूर्ण है जो कभी कोई सपना भी नहीं सोचा होगा चतरा बाईपास सड़क बनेगा और मिनी बाईपास बनेगा। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है चतरा के लिए और इसी महीना में हम लोग उसको शुभारम्भ करेंगे। सड़क तो जर्जर था, बनता है तो खराब ही होता है। अभी मेजर सड़क जो पोस्ट ऑफिस का सड़क देखिए कितना खराब था, उसको बनाए हम लोग। मरवाड़ी महला सड़क देख लीजिए, किशनपुर का सड़क देख लीजिए। चतरा में भी तेज़ी गति से 32 सड़कों का कार्य तेज़ी गति से निर्माण किया गया है। बाकी और हम लोग इस बार चालू करने वाले हैं। चतरा में शहर में जितना काम हुआ है हम कह सकते हैं कि दूसरे शहर। इस मौके पर उपायुक्त अबू इमरान और SP राकेश रंजन समेत संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चतरा से अशोक तुलस्यान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।